संसार का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. एंजल टीवी के सभी दर्शकों, इस कार्यक्रम देखने वाले हर एक को खास रीति से स्वागत करते हैं। This program is called Prepared to Meet the End Times. इस कार्यक्रम को अंतिम समय की तैयारी कहते हैं। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसका मकसद ये है कि आपको जानकारी दें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। Today's topic is marriage for men. और आज की जो शीर्षक है, मनुष्य की विवाह। I have taken these studies from various resources. And also included my own personal experience. विभिन्न जो है सामग्री से लिया हूँ और अपने अनुभव को भी इसमें डाला हूँ। To bring these instructions for men to reach a peak of happiness and wonderful fulfillment in their relationship with their spouse. पुरुषों के लिए मार्गदर्शन इसलिए ले आया हूँ ताकि जो खुशियों की शीघ्र तक पहुँचे, एक अच्छा रिश्ता बनाने पाए। First we're gonna see 10 ways how husbands damage the spirit of their marriage. पहला हम देखने वाले हैं पुरुष जो है 10 रीति से कैसे अपने विवाह को तोड़ते हैं। But before we go on, I want to encourage the women watching this program. आगे बढ़ने से पहले उन स्त्रियों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। Get your husbands to watch this program. अपने पति को बुला लीजिए ताकि इस कार्यक्रम को देख सकें। It will be beneficial for both of you in your marriage. अपने विवाह की जिंदगी में आप दोनों के लिए लाभदायक होगा। When the spirit of a wife is wounded, the spirit of the marriage is damaged. जब पत्नी की आत्मा में चोट पहुंचता है, तो विवाह की आत्मा में जो है फूट निकलता है। A damaged spirit will in turn affect the psychological and physical aspect of the marriage. नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा जब प्रवेश करता है, मानसिक और शारीरिक कार्य पर विवाह में वो प्रभाव डालता है। If the husband attempts to restore the psychological or physical aspect of the marriage, अगर पति कोशिश करता है कि अपने मानसिक और शारीरिक उन कार्यों को जो फिर से जो है सुधारें, before restoring the spirit of the marriage, he will only produce deeper wounds and ultimately fail. विवाह को जो है सुधारने से पहले वो कार्य करेगा तो सिर्फ जो है चोट, गहरी चोट पहुंचाएगा अपनी विवाह की जिंदगी में। Let us turn to the epistle of 1 Peter chapter 3 verse 7. I'm जो पहला पत्रस तीसरा अध्याय 7 की ओर खोल लें। Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel and as being heirs together of the grace of life. That your prayers may not be hindered. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। As each offense is sowed, there is a precise and predictable reaping of destruction in marriage harmony. जब एक दूसरे के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं, तो हम उसका परिणाम देख सकते हैं कि वो एक विभाजन विवाह में ले आएगा। Galatians chapter 6 verse 7 it says, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap." गलातियों की पुस्तक छठे अध्याय के सातवें पद में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Let us sow some good seeds. I'm कुछ अच्छे बीजों को बोएं। Failing to love, honor and cherish your wife more than every other woman, job or hobby in your life. दूसरी औरत अपनी नौकरी और बाकी सारी चीजों से बढ़कर अपने पत्नी से प्रेम करना, आदर करना चूक जाएं। A wife knows when her husband delights to be with some other women. पत्नी जान जाती है जब उनके पति दूसरे औरतों के पर मग्न हो जाएं।
She knows when her husband's job or hobby means more to him than she does. वो पहचान जाती है उससे बढ़कर उसके लिए उसका नौकरी या उसकी आदतें बड़ी मायने रखती हैं. A husband's failure to give his wife first place among people is a contradictory to God's design of marriage. पति अपने पत्नी को जो है महत्वता देना चुक जाए अपने नौकरी या अपने आदतों के प्रति, ये उसके विपरीत है जो ईश्वर अपने परमेश्वर लोगों के लिए करता है. 1 Corinthians 7:32-33. पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 32 और 33वां पद. But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord, how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of this world, how he may please his wife. अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो. अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों पर की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखें. When a husband is preoccupied with other people, with possessions or activities, his wife doubts his love and becomes insecure. जब पति दूसरे लोगों या उनकी संपत्ति या अपनी आदतों के ऊपर ही पूरा भरा रहे, तो उसके प्रेम के प्रति पत्नी शक करती है. Men, how do you make your wives first place? पुरुष अपनी स्त्रियों को कैसे पहला स्थान दे सकते हैं? On the practical side, establish a weekly or a monthly night out first. अभ्यास स्वरूप जो है, आप हफ्ते में एक दिन या जो है महीने में एक बार जो है एक साथ की रात के समय व्यतीत करें. Make surprise appointments for lunch. अचानक विशेष कार्यक्रम बनाएं भोजन का. Call her occasionally during your breaks at work. अपने कार्य के विश्राम के समय समय पर उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें. Help with the washing of the dishes. उनके बर्तन धोने में मदद करें. Be attentive to your wife and your children whenever you return home. जब भी घर वापस जाते हैं अपने पत्नी और बच्चों के पर ध्यान लगा के रखें. Meet her deepest needs by providing time for intimate conversation. उनकी गहरी जरूरतों को प्रबंध करने के लिए उन पे उनके साथ समय व्यतीत करने में समय लगाएं. Provide good manners with your wife. अपने पत्नी के प्रति अच्छे व्यवहार करें. The next point, neglecting to provide spiritual leadership. अगला बिंदु, आत्मिक अगुवेपन को जो है नकारना. True spiritual leadership is translated into meeting a wife's basic needs. आत्मिक अगुवेपन के द्वारा अपनी पत्नी की जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं. A wife wants her husband to have open communication with God in prayer. पत्नी चाहती है उसकी पति जो है खुले आम परमेश्वर के साथ जो है वो रिश्ता रख सके, बातचीत कर सके. And a clear understanding of God's word through reading, studying, memorizing and meditation. एक साफ जानकारी और ज्ञान प्रभु के वचन के प्रति उसे पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा, याद करने के द्वारा. Spiritual leadership is determined not by where a husband is in his Christian walk, But the direction he is going. और उसके पति की आत्मिक अगुवेपन जो है वो मसीह में कितने स्तर में उस पर निर्धारित नहीं, मगर कैसे वो हमें ले चलता है उस पर निर्धारित है. Men, God wants us to be in a continual attitude of seeking him. पुरुषों, परमेश्वर चाहता है कि लगातार एक एक स्वभाव बनाए कि हम परमेश्वर को ढूंढें, उनसे बातचीत करें. This attitude is what he has promised to reward in us, as he did with King Uzziah. और ये स्वभाव का जो है परमेश्वर एक अच्छा परिणाम देता है उसके जो हम आधार होशे की पुस्तक में देख सकते हैं. Let us turn to the book of 2 Chronicles 26:5. I am the दूसरा इतिहास की उसके 26 अध्याय उसके 5वें पद को लें. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him prosper. जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी. The most important way to demonstrate spiritual leadership
is to stand up for spiritual convictions. और आत्मिक अग्वेपन बलवंत रीति से इस तरीके से प्रकट करते हैं जब हम आत्मिक बातों के लिए स्थिर रहते हैं. Even when it costs us to do so. यहाँ तक कि ऐसा कार्य अगर हमें करना पड़े. Men refuse to compromise God's standard in personal living, marriage relationship, and business dealings. पुरुष अपने जो स्तर परमेश्वर के प्रति जो है उसमें कभी ना समझौता करें, चाहे वो वैवाहिक जिंदगी में हो, व्यापार में हो या सामाजिक में हो. When a husband shows lack of interest in being a spiritual leader, जब पति जो है अपना दिलचस्प कम कर देता है कि आत्मिक अगुवा होने के नाते, his wife feels insecure and unable to place her confidence in him. उनकी पत्नी जो है असुरक्षित महसूस करती है कि उन पर आत्मिक बातों पे भरोसा करने के लिए. Number three. तीसरा. Announcing changes and moves without giving your wife adequate time to mentally prepare herself. बिना बताए बदलाव की ओर बदल जाना कि अपनी पत्नी को जो है समय ना देते हुए कि उसे ग्रहण करें, समझें और तैयार करें. A wife's world is her home and family. पत्नी की दुनिया उसकी घर और उसके परिवार है. She finds her security and fulfillment in wisely managing them. और उसकी सुरक्षता वो अपनी परिवार और बच्चों को संभालने में पाती है. If a sudden move is required, a wife needs to mentally move before she physically moves. अगर अचानक एक बदलाव जरूरी है, पत्नी के लिए पहले अपने मानसिक बदलाव लाना जरूरी है, बाद में ही शारीरिक. She needs to picture in her mind all the things that will be necessary in order to maintain the management of her priorities. सबसे पहले अपने मन में उसको हर एक चीज का तस्वीर बनाना पड़ता है, हर एक जो प्रबंध उसे कार्य करने के लिए है. A wife also needs to be part of such decisions as changing employment, finding a new home, rearranging the furniture, remodeling the home, and taking a vacation. पत्नी के साथ में भी विचार विमर्श करना है, अगर नौकरी को बदलना है या घर बदलना है या घर के सामानों को बदलना है. When a husband does not give his wife sufficient time to rearrange her mental and emotional frame of reference for change, she becomes insecure, apprehensive and bitter. जब पत्नी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है इस बदलाव को लाने के लिए मानसिक रीति से, तब उसके लिए जो है असुरक्षितता अपने आप पे महसूस करने लग जाती है. The next point is making unfavorable comparisons with other women. अगला बिंदु ये है कि जो है ऐसी जो तुलना करना दूसरी औरतों के साथ जो उनके लिए सहन योग्य नहीं है. Wives are extremely alert and sensitive to what their husbands look at. पत्नियां जो है संवेदनशील रहती हैं कि उनके पति क्या चाहते हैं करके. Many wives also have problems with self-acceptance. कई पत्नियों का यही समस्या है कि उन्हें वो स्वीकार नहीं करते हैं. Most husbands are totally oblivious to the inward part that comes to a wife when she notices her husband staring at another woman. कई पति लोग जो है अपने कार्य के ऊपर इतना ध्यान पूर्वक नहीं रहते हैं कि उनकी पत्नी उन पे ध्यान देती है कि जब वो दूसरी औरतों के ऊपर देखते हैं. God has many warnings and admonitions to men to control their eyes. परमेश्वर ने कई चेतावनियां दी है और परमेश्वर ने कई बातें सिखाई कि अपने आंखों के ऊपर पुरुष कैसे नियंत्रण रखें. When men look lustfully at other women or sensual magazines, जब पुरुष दूसरे स्त्रियों के ऊपर या जो है ऐसे इश्तिहार के ऊपर जो है लालसा पूर्वक ध्यान देते हैं, they are saying to their wives, physical attraction is more important to me than inward character. वो अपने पत्नियों से कहते हैं, मेरे लिए शारीरिक आकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि अंदरूनी. And that other women please me more than you do. तुमसे बढ़कर वो दूसरी औरत मुझे बहुत प्रश्न करती हैं. Men, it's not about pleasing you, but about pleasing your wife.
पुरुष ये अपने आप की संतुष्टि की नहीं है मगर अपने पत्नी को संतुष्ट करना है। Let's turn to the book of Proverbs chapter 4 verse 23. आइए नीति वचन चौथा अध्याय उसके 23वें पद खोलें। Keep your hearts with all diligence for out of it springs the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। When a husband admires the appearance or abilities of other women, जब पुरुष जो है दूसरी स्त्रियों की योग्यता के ऊपर और उनके शरीर के ऊपर ध्यान देता है, His wife is deeply hurt, becomes jealous, and begins to reject herself. उसके पत्नी के अंदर गहरी चोट आता है, अपने आप को तिरस्कार किया गया महसूस करती है। The fifth point, lacking discipline to control anger and impure habits. पांचवी बिंदु, अपने गुस्से के ऊपर काबू ना करना और अपने गंदे आदतों को नियंत्रित ना रखना। A man who cannot control his temper is as defenseless as a city with the walls broken down. जो पुरुष अपने गुस्सा को काबू नहीं कर सकता है वो उस नगर के समान है जिसका बाड़ टूटा हुआ है। Anger damages the spirit of a marriage and relationship with the children. गुस्सा जो है विवाहित जिंदगी का और अपने बच्चों के बीच में रिश्ते को तोड़ देता है। Anger is very often the result of a husband's frustration at his wife for not understanding what he tries to explain to her. गुस्सा हर बार जो है उसका परिणाम होता है जो पति समझता है कि उसकी पत्नी उसकी भावना को समझती नहीं या उसकी जरूरतों को पूर्ति नहीं करती। Effective communication, however, involves much more than words. प्रभावशाली वार्तालाप में जो है बातों से भी बढ़कर काफी चीजें शामिल है। Unless taken care of, the husband's frustration will result in bitterness for the wife. अगर पति की जरूरतों को ध्यान ना रखें तो पति जो है पत्नी की प्रति कड़वाट हो जाता है। Let's turn to the book of Colossians chapter 3 verse 19 and I read, Husbands, love your wife and do not be bitter towards them. कुलसी की पुस्तक उसके तीसरा अध्याय 19वें पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। Most of the anger on the part of the husband and the father is the byproduct of moral impurity in his life. पिता और जो पति के अंदर की जो गुस्सा जो है उनके अनैतिक कार्य की जो उत्पादन है। If a man sows immorality in his life, he will reap emptiness and his anger will destroy the people it touches. अगर अपने जीवन में अनैतिकता वो बोता है तो उसके लिए खालीपन वापस लौटेगा और जिसको भी छुएगा वो चोट पहुंचाएगा। I want to read Proverbs 22 verse 8 and it says, He who sows iniquity will reap sorrow and the rod of his anger will fail. मैं नीति वचन 22 अध्याय के 8वां पद पढ़ना चाहता हूँ। जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। Not only must husbands learn to control his own sexual drives, but he must also know when it is inappropriate or medically unwise to have physical intercourse with his wife. पति के लिए इतना ही काफी नहीं है कि वो अपने इस शारीरिक लालसा को नियंत्रित रखें, मगर ये भी जानना जरूरी है कि कब उचित नहीं अपने पत्नी के साथ जो है संभोग करना। During these times of abstinence, wives want their husbands to continue to show them love in other ways. इस प्रकार की परिस्थिति के समय पर पत्नी ये चाहती है कि उनके पति लगातार उनके ऊपर प्रेम दर्शाएं। I want to close this message now by leading you into a prayer. Can you please close your eyes? इस संदेश को जो है प्रार्थना में अगुवाई करने के द्वारा खत्म करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना के लिए आंखें बंद करेंगे? Father, in the name of Jesus, I pray a special favor to all the men who are watching this program. पिता यीशु के नाम में हर एक पति जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके ऊपर आपके दया होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। Provide your grace for them to receive this word and to act upon it. In Jesus' name I pray. उन्हें अनुग्रह दें, इस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार कार्य करने में, और मैं इसे यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। We look forward to seeing you again in the next session. God bless you all. Amen.
अगले सत्र में मुलाकात करने के इंतजार में रहते हैं। तब तक प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। एन्जल टिभी का दार्जिलिङ एवं सिक्किम का प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रीज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङगोङ, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101, पश्चिम बङ्गाल। सम्पर्क नम्बर 9851025098, 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ, आरिथाङ, आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक, सिक्किम 737101। सम्पर्क नम्बर 7797888563। तपाईँले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जिजस मिनिस्ट्रीज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जिजस मिनिस्ट्रीज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस, कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 03552255052। हाम्रो इमेल आइडी छ jmkpg@jesusministries.org। If you're blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel TV, Willivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Contact 044-4050-0000. Our email, programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम द्वारा आशीषित हैं, तो अपने गवाही और विचार इस पते पर भेजिए: एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। संपर्क के लिए 0444-0050-0000। हमारा ईमेल programs.hindi@angeltv.org। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए: एंजल टीवी, विल्लीवाक्कम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।